मध्य प्रदेश में इस वर्ष के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और राजनीतिक गलियारों में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। हर कोई छोटे बड़े नेता टिकट को लेकर भोपाल दिल्ली के चक्कर लगा रहे हैं और अपने अपने स्तर से टिकट पाने के लिए अथक प्रयास भी कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं धार जिले की बदनावर विधानसभा की, जहाँ से वर्तमान में भाजपा के भंवर सिंह शेखावत विधायक हैं। वह अपने द्वारा क्षेत्र में करवाए गए विकास कार्यों के दम पर चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही टिकट को लेकर भी खासे आश्वस्त नजर आ रहे हैं। परंतु लगातार क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवार की मांग उठती नजर आई है, क्योंकि सीटिंग एमएलए पर इंदौरी होने का तमगा लगा रहा है। आइए आपको हमारे संवाददाता अमर वर्मा से विधायक की खास बातचीत दिखाते हैं। हर जिले की बदनाव विधानसभा में है और इस वक्त हमारे साथ बदनाव विधायक बीजेपी से है, जो हमारे साथ मौजूद है। उनसे हम चर्चा करेंगे, उनके विकास कार्यों को लेकर चर्चा करेंगे और साथ ही बात करेंगे आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए उनकी क्या तैयारी है। विधायक जी, मेरा पहला आपसे प्रश्न है कि कम समय में आप बदनाव विधानसभा में कैसे लोकप्रिय नेता बन गए? देखिये, लोकप्रियता के लिए दो ही मापदंड है दुनिया के अंदर। एक तो अथक परिश्रम कीजिए और जनता से सीधा आपका जुड़ाव हो जाए, जनता की जो आवश्यकता है उनको पूरा करने के लिए प्रयास करिए। ये दो ही तरीके हैं और हमने इन दोनों तरीकों पे पिछले 5 साल में काम किया है जी। तो विधायक जी, अगला मेरा सवाल है कि आप टिकट के लिए आश्वस्त हैं? कौन सा टिकट? का टिकट विधायक का जो अभी आने वाले चुनाव? टिकट तो पार्टी को करना तय होगा, आश्वस्त क्या है? तो पार्टी ने टिकट दिया है, पार्टी ने टिकट दे दिया, अब लड़ना है चुनाव, उसमें कहाँ टिकट का झगड़ा है? अच्छा, क्योंकि रखा कोई विवाद नहीं हमारे यहाँ। देखिये, मेरा एक दूसरा सवाल है कि मानते हैं कि आपकी लोकप्रियता और विकास कार्यों को लेकर आप काफी क्षेत्र में लोकप्रिय रहे हैं, लेकिन कुछ न कुछ अंदरूनी ऐसे छोटे बड़े नेता हैं जो आपको चुनाव जीतने में बाधक बन सकते हैं। ये आपकी गलत फहमी हो सकती है, मेरे यहाँ पे सब लोग बहुत अच्छे हैं, कोई ऐसा नेता नहीं है जो हमारी पार्टी के खिलाफ काम करने वाला हो, और आज तक हमारे यहाँ तो ऐसा कोई प्रसंग सामने आया नहीं किसी नेता के बारे में। ये तो सब दुनिया की चर्चाएं चलती रहती, कुछ भी भले लोगों के बारे में लोग बोलते रहते हैं। हमारे कोई ऐसा कार्यकर्ता नहीं कि जो कभी पार्टी के खिलाफ करे या पार्टी को नुकसान पहुंचाने काम करे। तो अगला विधायक जी, मेरा अगला आपसे सवाल है कि आपने काफी काम किए हैं और अगर उसके बावजूद भी पार्टी संगठन किसी अन्य व्यक्ति को विधायक के तौर पर उम्मीदवार पर टिकट दे देता है, तो क्या आप दिल से उनकी मदद करेंगे? दिल से क्या, तन मन धन तीनों से करेंगे। अरे भाई, पार्टी ने जब टिकट दे दिया उसके बाद कहाँ प्रश्न है कोई? फिर तो तन मन धन लगा के हमको तो पार्टी जिताना है, कोई कैंडिडेट के पीछे थोड़ी हम लोग। अगला मेरा सवाल है विधायक जी कि जनता के लिए आप हमारे समाचार एक्सप्रेस न्यूज चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे? जनता बदनावर की बहुत अच्छी है, हमने पिछले 4 साल 4.5 साल में बदनावर की तस्वीर बदली है। माँ भगवती नर्मदा मैया का आगमन हो रहा है, ये 3,000 करोड़ का प्रोजेक्ट जो है वो हम जमीन पे ला करके जनता को सौंपना चाहते हैं और बदनावर का आने वाला जो भविष्य है उसको हम बदलना चाहते हैं, ये हमारा संकल्प है। और बदनावर की जनता को बधाई कि इतने सारी सौगात के बाद भी बदनावर को नर्मदा मैया की सौगात मिल गई। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभारी हूं और बदनावर की जनता की तस्वीर तो हमने बदली है, तकदीर बदलने का काम भी हम कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ बदनावर विधायक भंवर सिंह शेखावत जी, जिनका कहना है कि बदनावर की तस्वीर बदली है, सारे लोग इनके साथ है, लेकिन कहीं न कहीं बदनावर क्षेत्र में अगर इनको टिकट मिलता है और ये चुनाव लड़ते हैं तो अंदरूनी इनके साथ कुछ मामले ऐसे आ सकते हैं जिनको एक बाधा पहुंचा सकते हैं। कैमरामैन दिनेश के साथ अमर वर्मा, समाचार एक्सप्रेस, धार।